बाल वाहिनी में ठूस ठूस कर पढ़ रहे हैं स्कूली बच्चे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, आखिर कब लगेगा लापरवाही की इन तस्वीरों पर अंकुश। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बैराणी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाल वाहिनी स्कूली बच्चे हैं। देखिए आप किस तरह से लापरवाही पूर्वक पूरी का टैक्सी जो है, ऑटो जो है, पूरा का पूरा स्कूली बच्चों से भरा हुआ है। और ये भी तस्वीरें आप देखिए जो सवारी भर कर इस तरह से लापरवाही पूर्वक सवारी भर रहे हैं। बच्चे जो कि ना समझ बच्चे हैं, वो इस कदर पीछे बैठे हैं कि कभी भी मानो बड़ा हादसा हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी रहेगी। हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों पर अंकुश इसलिए लगना चाहिए, ये बच्चे जो हैं पीछे बैठे हैं, कैमरा देखते ही बच्चे जो हैं वो हाथ हिलाने लगे। इन बच्चे जो हैं, बच्चे किस तरह से लापरवाही पूर्वक बैठे हैं, टैक्सी ऑटो चालक जो हैं उनका ध्यान आखिर कहाँ है, किस तरह से ये बच्चे यहाँ बैठे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस चौकी है और बाड़मेर के किसान बोर्डिंग के पास भी पुलिस यातायात पुलिस है, लेकिन उन दोनों पुलिस चौकियों को पार कर ये लापरवाही की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वहाँ से गुजरती हुई ये टैक्सी जो है, ऑटो जो है, वो निकल रहा है। आखिर इनको रोकने टोकने वाला कौन है और कब इन तस्वीरों पर अंकुश लगेगा। हमारे तमाम साथी एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बैराणी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।